हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBP एक्सप्लोर में आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज़ iOS एप्स ऑन एंड्रॉयड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम लोग गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। तो गूगल क्रोम को जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कुछ वेबसाइट को टाइप करेंगे, ठीक है। जो पैग होगा यहाँ पे, देखिए मैं जो टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पहले से टाइप हो रखा है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये जो है appetize.io, ठीक है, इस नेटसाइट पे आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि इस वेबसाइट में जाके क्या होगा, तो आगे देखिए समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही इस वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो इसी वेबसाइट पे ला देगा आपको। थोड़ा ऊपर नीचे करके भी आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा एक वेबसाइट है, जहाँ पे आपको अगर कोई आईफोन का कोई एप्लीकेशन अगर आपको चलाना है अपने एंड्रॉयड पे, तो इसी वेबसाइट पे आइए, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। तो कैसे काम बनेगा देखिए, वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम फिर से। तो देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं हम, तो यहीं पर आपको एक मोबाइल दिख रहा है और इधर दिख रहा है टैप टू प्ले। तो इसी टैप टू प्ले पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस टैप टू प्ले पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको, पहले थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मोबाइल को, फिर यहाँ पे टैप टू प्ले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने क्लिक कर दिया, तो यहीं पे देखिए लोडिंग हो रहा है। ये देखिए आपका जो आपके लिए आईफोन आधा रेडी है, ठीक है, आपका आईफोन आधा रेडी है। यहाँ पे आपको गोल बटन दिख रहा है ना, इस गोल बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आईफोन में, हर आईफोन में गोल बटन रहता है, तो इस गोल बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना, आपका डिवाइस रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे गोल बटन पे क्लिक करता हूँ। आपका नेट का स्पीड जितना फास्ट होगा ना, ये डिवाइस आपका उतना जल्दी काम करेगा। तो ये देखिए, अब ये हो गया है मेरा, जो मतलब मेरा जो आईफोन है अभी रेडी है मेरे यहाँ। आप किसी भी मतलब ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं इसी वेबसाइट पे आके, इसी आईफोन से, ठीक है। आपका आईफोन है, मेरा नहीं, आपका है। तो ये देखिए, मैं इसका सेटिंग में जाता हूँ ना, तो देखिए पूरा एकदम आईफोन में जितना ऑप्शन, जितना सेटिंग होता है यहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा एकदम आईफोन दिख रहा है, बैटरी का सिंबल भी आ गया है। तो बस इसमें आप कॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से SMS कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसका जो ओवरव्यू आप देख सकते हैं, इसी तरह टॉपिक मैं हर दिन एक वीडियो लाता हूं आप लोगों के लिए। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना यार, आप लोगों का ये अच्छा होगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा आगे पीछे, ठीक है। आप लोगों का मोबाइल पे अगर कोई दिक्कत होता है, तो मोबाइल के बारे में मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। डिवाइस को अगर रूट करना है या फिर डिवाइस में TWRP इंस्टॉल करना है, मेरे को बताइए, मैं कर दूंगा किसी भी मॉडल को, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, तो ये देखिए अभी पूरा एंड्रॉयड मतलब पूरा एक आईफोन आपके पास हाजिर हो गया है। तो जैसे इसका जनरल सेटिंग में जाते हैं ना, तो इसको अबाउट फ़ोन भी आपको दिखा देता हूँ। इसका अबाउट में जाता हूँ मैं अभी, तो ये देखिए डिवाइस का नेम आईफोन आ रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन भी दिख रहा है, मॉडल नेम आईफोन 8 है, मॉडल नंबर भी दिख रहा है, एंड सीरियल नंबर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कैपेसिटी भी दिखा रहा है आपको, अवेलेबल स्पेस भी दिखा रहा है, एकदम एक आईफोन आपके पास है, ठीक है। तो अब आप बड़े आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास एक iOS एप्लीकेशन मतलब आईफोन का एप्लीकेशन है, अब उसको आपको मतलब अर्जेंटली उसको यूज़ करना है, तो क्या आप कहाँ पे करेंगे, क्योंकि आपके पास तो आईफोन है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे। तो यहीं पे आके मेरा यह ट्रिक फॉलो कीजिए, आपका वो काम बन जाएगा, अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे ही यूज़ कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है यही है, ये इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्सनल मतलब आपका जो पर्सनल जो ऐप्स होगा ना, यहीं पे अपलोड करना है। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना अपलोड योर ऐप, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपका जो पर्सनल जो ऐप्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसको अपलोड कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा बात है ना, आपका एंड्रॉयड फ़ोन में आप iOS मतलब आईफोन का ऐप्स आप यूज़ कर पाएंगे यहीं पर। फिर से इसको लोडिंग करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।